हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 1 है आपकी क्लास 6 के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी टेस्ट वर्कशीट है जिसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक में जितना भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड जो है ये वर्कशीट है बेटा, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट कंटेन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद अ पेन और पेंसिल। तो आपको ये सर्कल जो दिए गए हैं इनको फिल करना है, क्लियर। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ ईयर हैज़ 12 डैश। तो एक ईयर में 12 क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेज, आवर्स और मिनट्स। तो बेटा क्या होते हैं एक ईयर में, इट हैज़ 12 मंथ्स, ठीक है। तो मंथ्स जो है इसका आंसर रहेगा और आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मंथ कम आफ्टर मार्च। तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, मई आता है, दिसंबर आता है, अप्रैल या फरवरी। तो बेटा मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, there are -days इन जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा, हाउ मैनी डेज इन जनवरी। तो जनवरी में 28, 29, 30 या 31। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 डेज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज नॉट अ पेट एनिमल। पेट एनिमल कौन से होते हैं, जिनको हम पालते हैं वो पेट एनिमल होते हैं। तो काउ, डॉग, टाइगर, गोट, ठीक है। तो कौन सा इनमें पेट एनिमल, किसको पालेंगे बेटा, तो हम काउ को भी पालेंगे, डॉग को भी पालेंगे, गोट को भी, जिसको नहीं पालते वो कौन सा है, वो है टाइगर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फिश कैनॉट लिव विदाउट। फिश जो है वो किसके बिना नहीं रह सकती, आइसक्रीम के बिना, मिल्क के बिना, वाटर बिना या चॉकलेट बिना। तो फिश को ना तो आइसक्रीम चाहिए, ना दूध चाहिए, ना चॉकलेट चाहिए, उसको तो पानी चाहिए बस। पानी नहीं मिला तो मर जाएगी, ठीक है। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा, मंथ में कितने जो है, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, 31 डेज इन जनवरी, इसमें आ जाएगा टाइगर, इसमें आ जाएगा वाटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, अभी हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है ना, कब था, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 1 जनवरी। तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द रेड फोर्ट इज इन। तो रेड फोर्ट कहाँ है बच्चों, चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में या मुंबई में। तो सभी बच्चे जानते हैं रेड फोर्ट कहाँ है, रेड फोर्ट है दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द ताजमहल इज इन। ताजमहल कहाँ है, जयपुर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, आगरा में है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर - कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, वो होते हैं 26। अब 26 में 5 होते हैं वॉवल, ए, ई, आई, ओ, यू, तो 5 वॉवल हो गए, तो कितने बजे, 21। तो कितने होते हैं, 10, 7, 21 और 26। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए ई आई ओ यू आर नोन एज। तो ए ई आई ओ यू, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, नाउन, वावल या कॉन्सोनेंट, तो इनको हम वावल कहते हैं, ठीक है। तो वावल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।